हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिमिट चार्ट ट्रिक। आज हम लोग अध्ययन करेंगे लिमिट के बारे में। इसका ट्रिकी मेथड है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपान एन टू द पावर एन इज इक्वल टू होता है ई, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस यक्स अपान एन टू द पावर एन इज इक्वल टू होता है ए टू द पावर एक्स। यक्स बिलोंग्स टू आर, आर क्या है? रियल नंबर है। यहाँ पर देख रहे हैं यक्स के स्थान पर क्या है? वन है, तो ई टू द पावर वन का मान क्या होगा? ई। यहाँ पर देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस यक्स अपान एन टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या है? ई टू द पावर एक्स। इसका मतलब यदि यक्स के स्थान पर वन होगा तो ई का पावर वन लगाएंगे, यक्स के स्थान पर टू होगा तो ई का पावर क्या होगा? टू होगा। यदि यक्स की वैल्यू माइनस में है तो माइनस पावर लगा देंगे। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन माइनस वन अपान एन टू द पावर एन। अब इसको लिख सकते हैं वन प्लस ब्रैकेट में माइनस वन अपान एन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यक्स की वैल्यू क्या हो रही है? माइनस वन हो रही है। यहाँ पर यक्स की वैल्यू क्या है? माइनस वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस वन। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर इसको लिखेंगे वन प्लस माइनस ब्रैकेट में वन अपान एन, तो अब यहाँ पर यक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी? माइनस वन होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस वन। अगर यही प्लस रहता तो e टू द पावर वन हो जाता। अब यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस थ्री अपान एन टू द पावर एन। तो यहाँ पर देख रहे हैं यक्स की वैल्यू क्या है? थ्री है। तो ई का पावर क्या लगाएंगे आप? ई का पावर हो जाएगा थ्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई टू द पावर थ्री हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा।